हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। ना राम राम सीताराम। मैं कृष्णा रघुवंशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। और देखिए, यहाँ पर ना सुबह थोड़ा बहुत छत पे भी टहल लिया था और सुबह के ना सारे काम हो गए थे, तो मैंने नहा लिया था और नहा के आज वेयर की है ब्लू कलर की साड़ी। और यह ब्लॉग ना 1 तारीख का है, यानी कि दीपावली के दूसरे दिन का। और साड़ी ना पतिदेव जी को बहुत पसंद आई थी। वो तो वैसे ही कुछ मूड रहता है तो कभी तारीफ़ कर देते हैं और कभी नहीं भी करते हैं। तो देखिए, आपको दिखाती हूँ। वैसे अच्छी लग रही थी और ज़्यादातर मेरे पास ना पिंक कलर की साड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो आज ब्लू पहना अच्छा लग रहा है। और आज का व्लॉग ना बहुत खास होने वाला है। आज ना मैं आपको अब हमारे घर के सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य दोनों से ही मिलवाने वाली हूँ। तो बहुत जल्दी जल्दी से आज मुझे काम करना है और बहुत ढेर सारी तैयारी करनी है, तो उसको कर लेती हूँ यहाँ पर। कल क्या दीपावली थी और जैसे कि हम लोग मम्मी के घर जाते थे, मैं नहीं जाती थी लेकिन बच्चे हर बार जाते थे, लेकिन कल नहीं जा पाए क्योंकि राज को पूजन के बाद मंदिर जाना था। मंदिर में उसको काम था और फिर घर पे कोई भी रुकता है तो पतिदेव जी ने कहा चलो अब बाद में जाएंगे, और मम्मी पापा जी के भी ना सोने का टाइम हो जाता है, ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी खाना बनाने की तैयारी हो रही थी और खाने में आज बन रही थी दाल और गोभी की सब्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मेरी खाना बनाने की जो है तैयारी लगभग हो चुकी है, और पूजन ना मैं इसके बाद करूँगी क्योंकि मेरी आदत है, मैं जो तैयारी रहती है वो पहले कर लेती हूँ और पूजन बाद में ही करती हूँ क्योंकि लेट ना हो जाए। और यहाँ पर देखिए अब आ गई थी मैं पूजन करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो कर्म है, मतलब जैसे कि दूसरों घर में सबको टाइम पे भोजन मिले, सबका काम हो जाए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भगवान जी तो क्या है, सब समझते हैं और सब जानते भी हैं। तो पूजन मैं बाद में कर लेती हूँ और पूजन मैं उसी हिसाब से करती हूँ, जैसे मेरे पास ज़्यादा समय है तो थोड़ी देर तक करती रहूँगी और नहीं है तो जल्दी जल्दी से भी कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए लक्ष्मी जी की मूर्ति ना कितनी सुंदर लग रही है, और अभी ना मैंने इस चौकी को नहीं हटाया है क्योंकि तुरंत बाद नहीं हटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए रंगोली भी बनी हुई है और रंगोली भी ना बहुत ही सुंदर सी लग रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी खाना बनाने की तैयारी हो गई थी और राजू है मम्मी पापा जी को लेने के लिए गया था और वो आ गए थे, उन्होंने समय बता दिया था। उन लोगों को ना जल्दी से खाना खा, हमारे घर में उनको ही नहीं, सभी को ना जल्दी जल्दी, मतलब नाश्ता वगैरह बहुत कम ही करते हैं तो सब लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। तो मैं भी ना सुबह जल्दी जल्दी से लग गई थी, और वैसे भी रोज़ भी मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ, तो लेकिन ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो कि मैं लेट हो जाऊँ, और जल्दी खाना बनाया। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग आ गए थे अब किचन में, और किचन में ना मेरी तैयारी चल रही थी और पता है माही के पापा और मम्मी दोनों बैठ गए थे बात करने के लिए, और पापा जी ना अलग से एक रूम में जाके अपना जो है बैठ गए थे। और मैंने कहा सबसे पहले ना दादाजी को खाना खिला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं ना, मेरी पूरी तैयारी तो हो गई थी, बस गरम गरम पूड़ियाँ सेंकनी बाकी रह गई थी, तो उनके लिए जो है थाली लग गई थी और पूड़ी वगैरह हम सेंक रहे थे। मैंने मम्मी से भी बोला आप भी खा लो, लेकिन मम्मी ने ना मना कर दिया था कि नहीं मैं बाद में खा लूँगी, और वो जैसे मेरे यहाँ जब भी आती हैं तो मेरे ही साथ में खाना खाती हैं। मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया था और माही के पापा ने भी सुबह खाना खा लिया था, और बस माही रह गई थी और राय ने भी नहीं खाया था अभी तक। तो दादाजी को पहले खाना खिला देते हैं, और घर में ना एक बहुत खुशनुमा सा माहौल हो गया था, बहुत ही अच्छा लगता है। और राज बोल रहा था मम्मी दादाजी बैठ गए हैं, आपकी पूड़ी नहीं निकली, तो मैंने कहा हाँ दादाजी हैं, मेहमान थोड़ी ना है, वो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि बच्चे थोड़ा ऐसा लगता है। और बहुत अच्छा लगता है अपने बड़ों को सम्मान देना, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप जैसा व्यवहार सामने वाले के साथ करेंगे वो भी वैसा ही करेगा, बच्चे आपसे ही सीखते हैं, इसलिए हमेशा अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करिए। और मैंने अपने घर में भी देखा था, मुझे मेरे दादा दादी ना बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे और बहुत अच्छे थे वो। तो यहाँ पर ना गरम गरम पूड़ियाँ सेंक लेते हैं। तो देखिए हमारी थाली लग गई थी और खाने में ना खीर थी, दाल थी, गोभी की सब्जी थी, चटनी थी, मटरी, नमकीन, लड्डू, बर्फी और पूड़ियाँ बनाई थी। तो पापा जी ने खाना खा लिया था और पापा जी ना खाना खाने के बाद लेट भी गए थे, तो मैं मम्मी से बोल रही थी लेकिन उन्होंने कहा नहीं बना लो तो साथ में ही खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए राय ने भी खाना खा लिया था, उसके बाद मैंने मम्मी को थाली लगा दी और अपने लिए भी मैंने यहाँ पर थाली लगा ली थी।
और हम माँ ही तीनों ही नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, और साथ में ना ढेर सारी बातें होती हैं। बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। नहीं, मैं ना अकेले बैठ के खाती हूँ और पतिदेव जी से बार बार कहती भी हूँ तुम बैठ जाओ, लेकिन वो ना थोड़ी देर तो रुकेंगे और फिर ना उठ के चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए मम्मी और मैं खाना खा रहे थे, और खाना खाने के बाद ना ढेर सारा काम था जो मैंने सारा ही किया। उसके बाद ना मेरी अभी तक गुलाब जामुन नहीं बनी थी, तो मैं मम्मी से बोल रही थी मम्मी मेरी गुलाब जामुन नहीं बन पाई है, तो बोल रही थी बना लेना वो तो बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो यहाँ देखिए हमारा दोपहर का काम हो गया था और हमारे घर आया था एक नन्ना सा मेहमान। तो फ्रेंड्स, बच्चे तो वैसे भी बहुत ही सुंदर होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, और ये ना हमारे घर में मतलब जी सोचिए हमारी चौथी पीढ़ी का सबसे नन्ना सा सबसे पहला मेहमान है, और ये ना हमारे जो बड़े जेठ जी हैं उनके बेटे का बेटा है, और बहुत ही सुंदर सा लग रहा था। बहुत इच्छा हो रही थी, हम बहुत दिन से बुला रहे थे, और ये ना सो रहा था तो मम्मी और मैं दोनों बोल रहे थे किसके जैसा लगता है। और पता है इसके आने की इतनी खुशी थी कि भाई पोता आया है, तो मैं इसको लेके ना पलंग पे मम्मी के साथ बैठ गई थी। वैसे मैं ना कभी नहीं बैठती हूँ, लेकिन ठीक है कुछ नहीं है, अब बैठ गई थी। तो और आज का दिन तो इतने आसानी से निकल गया, पता ही नहीं चला। घर में बहुत ज़्यादा चहल पहल थी, मम्मी आ गई थी, हमारी जेठ जी के दोनों बच्चे आ गए थे और उनका भी बच्चा आ गया था, तो उसको खिलाया। और ये रंगोली ना पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो बोल रहे थे पेंट से बना लेना बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर बनी है। और पापा जी ना दोपहर में चले गए थे, वो ज़्यादा नहीं रुकते हैं, शॉप भी खोलनी होती है और उनका इतना मन भी नहीं लगता है और कहीं। हाँ मम्मी को तो बहुत अच्छा लगता है, तो मम्मी ना शाम तक रुकी थी, लेकिन उनको भी ना घर जाके दिया बत्ती और भी काम करने थे, तो खाना वगैरह बना के रख दिया था। और रायना गया था मम्मी को छोड़ने के लिए, तो अब मैं भी चलती हूँ ऊपर, ना ढेर सारा काम करना है, शाम के खाने की तैयारी भी करनी है मुझे, और जाके ना दिया बत्ती भी करनी है। नीचे तो मैंने जो है दीपक लगा दिए थे, और ऊपर भी लगाऊंगी, तुलसी में भी लगाऊंगी। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।